और अब यूपी का रुख करेंगे क्योंकि आज मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, रैली होने वाली है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज यूपी में अपनी तीसरी रैली करेंगे। बहराइच में ये रैली हो रही है और इसीलिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज इसी मंच से यूपी में तीसरी बार गरजेंगे। बहराइच के नानपारा रोड के नजदीक राजा सुहेल देव ग्राउंड पर हो रही रैली के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। मंच के पास ही मोदी के लिए नया हेलीपैड बनाया गया है। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद प्रशासन मोदी की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। रैली के लिए 3 SP, 12 SSP, 29 DSP, 225 सब इंस्पेक्टर, 730 कांस्टेबल के अलावा महिला पुलिस, 6 कंपनी PAC के साथ साथ ATS के 86 कमांडो मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से कमांडो और एंटी माइन टीम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेगी। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। कुर्सियां भी भारी संख्या में बाहर से मंगाई गई है और महिलाओं के बैठने के लिए भी चुस्त व्यवस्था की गई है। बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है, जिसे देखते हुए सीमा पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। सीमा से आने जाने वाले लोगों की भी तलाशी ली जा रही है, चेकिंग में डॉग स्क्वाड की भी मदद दी जा रही है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया है। रैली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं SP के पूर्व नेता ब्रजभूषण भी रैली में शामिल हो सकते हैं। राजीव शर्मा, जी मीडिया, बहराइच।